करें और आचार्य यशु मिश्रा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। मैडम कर करो ज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि खेते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोक्तिकरतां स्फुरत कांचीं साटीं प्रतिपटितटे हाटकमयी भजामि स्वाम गौरी नगपति किशोरी मगिरतां ओम मनोरजोतिर्जुगतामाजश्रियो बृहस्पतिर्यक्षियं तन्नो विष्णुमेतुको धातु विष्णु देवासी मादिन्ताम् ओं प्रतिष्ठो विघ्नेश्वराय वरदाय सुवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी मुख्य अतिथि अपने कार्य के लगन और कटिबद्धता के लिए जाने ही जाते हैं और उन्होंने आते ही उस कार्य को शुरू भी कर दिया, परंतु हमारी जो औपचारिकताएं हैं उनको हम निभाते हुए सबसे पहले डीन सर से गुजारिश करूंगा कि माल्यार्पण द्वारा मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय डीन तो दोनों का आग्रह है। अगले क्रम में मैं हमारे संस्था के चिरपरिचित चेहरे सुपरिटेंडेंट सर राहुल मिश्रा सर से गुजारिश करूंगा कि ये इन बढ़ जाए तो जगह खाली हो जाए। ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाँ। आज मेडिकल कॉलोनी के कायाकल्प का अभियान का शुरुआत हुई है। 64 डी टाइप और ई टाइप के मकान सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों के लिए जो लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत के बनेंगे। 8 मंजिला 4 टावर बनेंगे। नीचे ग्राउंड में पार्किंग रहेगी, ऊपर लिफ्ट रहेगी और 8 मंजिल तक 4 BHK के ये फ्लैट रहेंगे जिससे डॉक्टरों को अच्छी आवासीय सुविधा मिल सके। और इसके साथ ही पूरे मेडिकल कॉलोनी में जो पुराने हमारे संजय गांधी और मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे चरण में पूरे मेडिकल कॉलोनी का पुराने जर्जर मकानों को गिरा के और फ्लैट बना के और अच्छे पार्क लॉन्स बच्चों को घूमने के लिए खेलने के लिए स्थान कम्युनिटी हॉल इस प्रकार का एक संपूर्ण विकास कायाकल्प मेडिकल कॉलोनी का किया जाएगा। एक कई नर्सिंग कॉलेज के जो हैं उनकी मान्यता भी रद्द हुई है, लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो क्या इसमें संभावना है? इसमें हाई कोर्ट में फिर से हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको अगल बगल के जो नर्सिंग कॉलेज हैं सतना में है, जबलपुर में है, शहडोल में है, उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए जिससे कि वो अपना एग्ज़ाम दे सके। और इस बीच में यहाँ पर जो कमी पाई गई है उस कमी को दूर करने के लिए 65 स्टाफ फैकल्टी मंजूर कर दी गई है नर्सिंग कॉलेज के लिए और लगभग 10 करोड़ रुपए नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए मंजूर कर दिया गया है। तो ये सारी कमियां दूर हो जाएंगे तो फिर यहाँ नर्सिंग कॉलेज शुरू हो जाएगा। थैंक यू।